आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो चार शादियां जो देखते ही देखते मजाक बन गई। नाज़रीन कराम, हर किसी की कोशिश होती है कि वह अपनी शादी के हसीन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बना दे और इसके लिए वो कई किस्म की मनसूबाबंदी भी करता है। ताहम कभी कभी शादियों के दौरान ऐसे दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं कि शादी खुद ब खुद ही यादगार बन जाती है। ऐसा ही कुछ भारत की चार शादियों में भी हुआ जो देखते ही देखते ना सिर्फ यादगार बल्कि मजाक भी बन गई। दुल्हन ने फेरे लेने से पहले पुलिस बुला ली। भारत की रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली एक दुल्हन ने ऐन फेरे लेने से केवल पुलिस को फ़ोन कर दिया। दुल्हन ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि यह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन इसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। पुलिस शिकायत मसूल होते ही शादी की तकरीब जहाँ मुनक़द की जा रही थी वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने अपनी एंट्री देकर यह शादी मुकम्मल होने से पहले ही रुकवा दी, जिसके बाद पुलिस दुल्हन समेत तमाम फरीकैन को थाने ले गई और मामला हल करवाने की कोशिश की गई। ताहम दुल्हन के मुसलसल इनकार पर आखिर की शादी ख़त्म कर दी गई। दुल्हन ने शादी से एक हफ्ते के पहले भी अपनी माँ को इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन इसकी एक ना सुनी गई और जब दूल्हे की गोड़ी बिदक गई। भारतीय गांव रामपुर का एक दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए घोड़ी पर सवार हुआ तो चंद लम्हों बाद सारा मंजर ही बदल गया। जी हाँ, दूल्हे के सवार होते ही घोड़ी बिदक गई और उसने दौड़ लगा दी, जिसकी वजह से बारात में फोड़े जाने वाले पटाखे थे। घोड़ी 4 किलोमीटर तक इस रफ्तार के साथ दौड़ी कि इसको पकड़ने वाले दूल्हा के रिश्तेदार जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार थे वो भी पीछे रह गए। ताहम आखिरकार शहरियों की मदद से घोड़ी को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान ये तमाम सूरत हाल मज़े का खेज साबित हुई और किसी मंचले ने इसकी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दुल्हन तोहफा देखकर गुस्से में आ गए। शादी के मौका पर दूल्हा दुल्हन के साथ इनके दोस्तों का मजाक करना एक आम सी बात है, लेकिन कभी कभी ये मजाक जोड़े को बुरा भी लग जाता है। ऐसा ही कुछ एक भारतीय दुल्हन के साथ भी स्टेज पर तोहफों से नवाजा जा रहा था। इस दौरान दूल्हे के दोस्तों की जानब से एक तोहफा दे दिया गया और उसे वहीं खोलने की फरमाइश भी की गई। ताहम जब दुल्हन ने तोहफा खोल कर देखा तो इसमें बेबी फीडर मौजूद था, जिसे देखते ही दुल्हन गुस्से में आ गई और गुस्से में दुल्हन ने यह तोहफा उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। नौ ब्याहता बेटी के त्यौहार पर तोहफों की बारिश। नाज़रीन कराम, बाप की बेटी से मोहब्बत किसी मिसाल या सबूत की मोहताज नहीं होती। हाल ही में बाप बेटी की मोहब्बत का एक नमूना भारत में भी देखने को मिला, जहां भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक बाप ने अपनी नौ ब्याहता बेटी को मुकामी त्यौहार पर, जिसे अश्ता मसम कहा जाता है, जब उसने तोहफा दिया तो सब हैरान रह गए। बटोमाला रामकृष्णा ने अपनी बेटी को तोहफे में 1000 किलोग्राम मछली, 1000 किलोग्राम सब्जियां, 250 किलोग्राम झींगे, 250 किलोग्राम सोडा सर्फ की दीगर चीज़ें, अचार के 250 डब्बे, 250 किलोग्राम मिठाइयां, 50 मुर्गियां और 10 बकरे तोहफे में भिजवाईं। जब ये तमाम चीज़ें दुल्हन के ससुराल पहुंची तो सब हैरान और शस्तर रह गए। वाज़ रहे कि दुल्हन के वालद और ससुर दोनों ही कारोबारी शख्सियत हैं। ताहम उन्होंने इस तोहफे को खुशी से कबूल किया और ये भी एक ऐसा यादगार बन गया जो लोगों के लिए एक नई मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच।